आज हम आपकी मुलाकात रार हैदर से करवाने जा रहे हैं जो कि फैसलाबाद के रहायशी हैं। इन्होंने 6 माह के कम तरीन अरसे में अपना वेट 50 किलोग्राम कम किया। जी, वेट कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रांग मोटिवेशन चाहिए। पहले मेरा नाश्ता होता था, सुबह मैं निहारी खा रहा हूँ। अब जो मेरा नाश्ता है वो सिर्फ ये है कि सुबह एक उबला हुआ अंडा खाना है। और दिन के अंदर मैं पहले पानी कम पीता था, लेकिन अब मैं पानी ज्यादा पी रहा हूँ। दोस्तों में जाऊँ वो मुझे यार कहते थे, क्या आ गया यार, ना मुझे कहीं साल ले जाते थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करार हैदर से करवाने जा रहे हैं जो कि फैसलाबाद के रहायशी हैं। इनका जो वेट था 130 किलोग्राम था। इन्होंने 6 माह के कम तरीन अरसे में अपना वेट 50 किलोग्राम कम किया। और सबसे अहम बात यह है, ये जिम नहीं गए, ना ही इन्होंने किसी ट्रेनर को अपने साथ रखा जिससे ट्रेनिंग ली। खुद से इन्होंने कैसे अपना वेट कम कर लिया, हम करार हैदर से जानेंगे। आज हम इनकी रहायशगाह पर पहुँचे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2020 चल रहा है, मॉडर्न ज़माना, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मुख्तलिफ ऐप्स हैं, हमारे पास एप्पल वॉच जिस तरह हमारे पास फिटनेस ऐप्स हैं, उसमें हम अपना कार्डियो जो हमारी हार्ट बीट है वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। डिफरेंट वर्कआउट्स हम ऑनलाइन देख सकते हैं। और उसके बाद हम वर्कआउट्स ना भी देखें, आजकल हमारे पास इतनी रेमेडीज़ आ गई हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी नेचुरल चीज़ें रखी हुई हैं जिससे हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस करना दरअसल एक सिर्फ लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना बड़ा हवा नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वेट आराम से कम हो सकता है। वेट कम करने के लिए आपका शेड्यूल क्या था, क्या आपने प्लान सेट किया था और फिर किस तरह आपने उस पर अमल भी किया? जी, वेट कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रांग मोटिवेशन चाहिए। जो मुझे स्ट्रांग मोटिवेशन मेरे फ्रेंड से मिली, मेरे टीचर से मिली कि मुझे वेट कम करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने एक प्लान सेट किया कि मैंने सुबह उठ के ये करना है, दोपहर को ये करना है और रात को ये करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मैंने खाना खाना है उसका टाइम एग्जैक्ट सेट होना चाहिए, यानी कि रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है, तो जो विटामिन डी की जो असल वेवलेंथ है जो हमें विटामिन डी देती है वो सुबह 9 से 10 के दरमियान होती है। लोग सारा दिन धूप में बैठे रहते हैं, विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक खास वक्त होता है जब वो एक स्पेशल वेवलेंथ के सामने विटामिन डी मिलता है। दूसरा ये कि मैंने स्पेशल रेमेडीज़ यूज़ की, मैंने अपना वाटर वेट कम किया सबसे पहले, और उसके बाद मैंने अपना जो सुबह का नाश्ता था उसके अंदर मैं सिर्फ एक बॉयल अंडा यूज़ करता था, और उसके साथ अब चाय सब पीते हैं, लेकिन चाय के अंदर एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे हमारा वेट कम होगा, वो एक दालचीनी है। मैंने रिसर्च की दालचीनी के फ़ायदे कितने हैं, उसमें इतने ज़्यादा विटामिन्स हैं, उससे हमारा वेट कम होता है। इसलिए मैंने सुबह चाय के अंदर दालचीनी डालना शुरू कर दी। ठीक है, पहले मेरा नाश्ता होता था, सुबह मैं निहारी खा रहा हूँ, उसके बाद पाए खा रहा हूँ, अंडे खा रहा हूँ, चीज़ खा रहा हूँ, चीज़ स्प्रेड खा रहा हूँ, बटर खा रहा हूँ, लेकिन अब जो मेरा नाश्ता है वो सिर्फ ये है कि सुबह एक उबला हुआ अंडा खाना है। और दिन के अंदर मैं पहले पानी कम पीता था, लेकिन अब मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ। मतलब आपका ये कहना है कि वेट कम करने के लिए सबसे पहले अपनी ज़ुबान के चस्के को कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद आपने हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल किया जो आप बता रहे हैं। कुछ और चीज़ें बताएं जो आप इस्तेमाल करते थे और अब आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में? पहले ये होता था कि दोपहर के खाने में मैं रोटी बहुत ज़्यादा खाता था, यानी कि मैं 3-4 रोटियां खा जाता था आराम से, कभी 5 भी पराठे यूज़ करता, देसी घी यूज़ करता था। तो मैंने जब डाइट शुरू की तो मैं आधी रोटी खाता था सिर्फ दिन में, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैं वॉक करता था, क्योंकि मैंने जिम किया नहीं, सिर्फ वॉक की है, तो जब मैं वॉक करता था तो मुझे सांस चढ़ता था, तो उस क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा था, तो उसका मैंने ये हल निकाला, मैंने रोटी भी अपनी डाइट से बिल्कुल कट कर दी, उससे मेरी बॉडी में कार्ब की अमाउंट ज़ीरो हो गई, तो उससे मुझे फिर सांस नहीं चढ़ता था। और मैंने एक तुखा मलंगा का इस्तेमाल शुरू किया। तुखा मलंगा में हमें दूध से भी ज़्यादा विटामिंस मिलती हैं, यानी कि जो मैं चीज़ें, अगर मैं रोटी नहीं खा रहा ना तो मैं उसकी मुतबादिल नेचुरल चीज़ें यूज़ करता था जिससे मेरी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाए। आपके कहने का ये मतलब है कि सिर्फ पेट नहीं भरना, आपको अपने विटामिन्स पूरे करने हैं, आपको एनर्जी अपने अंदर लाने, तो उसके लिए दीगर मुतबादल चीज़ें भी मौजूद हैं। और जैसे मुझे देख लें, मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा है, अगर मैं अपना वेट मज़ीद कम करना चाहूँ तो मुझे अपनी डाइट क्या लेनी चाहिए? आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी न्यूट्रिशनस कहती हैं आप ये खा लें वो खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप नेचुरल चीज़ों के ऊपर आएँ, यानी कि आप सुबह उठ के कलवंजी यूज़ करें, कलवंजी हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम करती है। अब अगर अकॉर्डिंग टू हदीस देखें तो कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है, यानी कि अगर हमें बुखार होता है हम कलवंजी खाएँ, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हम कलवंजी से ठीक हो सकते हैं। हमें कोई भी दुनिया की बीमारी है वो कलवंजी से ठीक हो सकती है, इसलिए सुबह कलवंजी खाएँ, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद आप तुखा मलंगा यूज़ करें, और रात को जब हम दूध पीते हैं, अब दूध तो सब पीते हैं, लेकिन अगर हम दूध के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें तो उससे हमारा जो लीवर है वो डिटॉक्सीफाई होता है, हमारा लीवर डिटॉक्सीफाई होगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो हमारा वेट ऑटोमेटिकली लूज़ होना शुरू हो जाएगा।
छः माह के कम अरसे में आपने 50 किलो वज़न कम कर लिया, ये कोई मौजज़ा नहीं हो गया आपके साथ, क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए भी यकीन करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो मेरे में मोटिवेशन नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले वॉक करना शुरू की। मैं पहले हर्बल चीज़ें नहीं ले रहा था, मैंने शुरू में सिर्फ डाइट कंट्रोल की, मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था उन्होंने मुझे 10-10 पेजों का डाइट प्लान पकड़ा देना और वो इंतहाई इंसान का दिमाग ख़राब करते हैं और कुछ नहीं करते। तो मैंने पहले अपना डाइट खुद कंट्रोल करना शुरू की, लेकिन उससे मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला तो मैं डीमोटिवेट होने लग गया। फिर मैंने हर्बल चीज़ों का यूज़ किया, उससे मेरा 2 दिन के अंदर भी 1 किलो वज़न कम हुआ है, और मैंने जिन फ्रेंड्स को भी बताया उनका भी 2 से 3 दिन के अंदर 1 किलो वज़न कम हो रहा है सिर्फ नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करने से। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी, तो मैं उन चीज़ों के बारे में और रिसर्च करना शुरू की कि कौन कौन सी मज़ीद चीज़ें हैं जिनसे मैं अपना वेट कम कर सकता हूँ। एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी होती है, आप एक्सरसाइज क्या करते थे? अगर जिम नहीं जाते थे तो कौन सी एक्सरसाइज करते थे, और अब कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? जी मैं एक्सरसाइज ये करता था कि मैं वॉक करता था। वॉक करने का ये तरीका कार था कि मैं थोड़ा सा रन करता था, फिर थोड़ी सी वॉक करता था, थोड़ा सा रन करता, थोड़ी सी वॉक करता था, अपनी बॉडी को ज़्यादा बर्डन नहीं दिया। वॉक मैं सुबह फजर टाइम करता था उठ के, उसके बाद मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज के अंदर जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता था उससे पहले भी मैं 10 मिनट वॉक करता था। बिगर एक्सरसाइज मैंने ये की कि मैंने एयर बाइक का इस्तेमाल किया, वो भी घर में रखी हुई है, यानी कि मेन एक्सरसाइज मेरी वॉक है और एयर बाइक है बस। वेट कम करने के लिए मेन मशवरा तो यही दूंगा कि अपना जो हमारा लाइफ स्टाइल है सबसे पहले हम वो चेंज करें, यानी ये लंबे चक्रों में मत पड़ें कि यार हमने वेट, लोगों का स्टार्टर पैकेज होता है ना, वेट शुरू कम करना है, स्टार्टर पैकेज जिम है, स्टार्टर पैकेज एक न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम खुद से भी अपनी रिसर्च से, यार इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अपना वेट खुद कम करें, क्यों किसी के पास जाते हैं वेट कम करने के लिए। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, पानी ज़्यादा पिएं। एक यूके के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं आप कुछ भी ना करें, दिन में 25 ग्लास भी पानी पिएं तो आपका वेट कम हो सकता है। तो जो हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो ऐसे है कि जब हम सुबह उठते हैं निहार मुँह, तो निहार मुँह हमने एक नींबू यूज़ कर लें पानी के अंदर, और एप्पल विनीगर आता है वो थोड़ा सा आपने लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा वो आपने यूज़ कर लेना है। इससे हमारा ये होगा, इससे हमारी बॉडी का वाटर वेट ख़त्म होगा, यानी कि जो हमने गंद शंद खाया हुआ है ना, ये हमने चावल खाए हैं, ये नान शान खाए हैं, इससे जो बादीपन बॉडी में आ गया वो ख़त्म हो जाएगा। कलवंजी का इस्तेमाल सुबह बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सुबह जो नाश्ता है उसके अंदर जो चाय पीनी है उसके अंदर हम दालचीनी का इस्तेमाल करें। उसके बाद वैसे तो हम, मैं, मेरा चीट डे होता था 15 डेज़ बाद, अगर मैं कभी कुछ खा भी लेता था तो मैं खाने से पहले जो सौंफ आम मिलती है उसका इस्तेमाल करता था। सौंफ खाने का ये फ़ायदा है कि जब हम सौंफ के बाद खाना खाते हैं तो वो खाना फ़ौरन हज़म हो जाता है। उसके बाद खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूरी है। लोग कहते हैं यार ग्रीन टी से क्या होगा, ग्रीन टी से यार गर्म पानी तो अंदर जा रहा है ना। दोपहर को जो खाने में मैं लेता था वो मैं दही लेता था और मैं साथ खीरा लेता था। अच्छा, अब डाइट के लिए कुछ लोग फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और वेजिटेबल्स का। अब वेजिटेबल्स हमने वो इस्तेमाल करनी है जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जो ज़मीन के अंदर उगती हैं वो सारी वेजिटेबल्स हैं वो हमारा वेट ज़्यादा करती हैं। कुछ लोग डाइट में कहते हैं यार हम चने खा रहे हैं आजकल, वो उबाल के ये खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो नहीं खाने चाहिए। ये है कि अगर हमारा पेट नहीं भर रहा तो उस पर ये है कि हम जो हर्बल चीज़ें हैं जैसे अलसी है, फ्लैक्स सीड्स कहते हैं उनको, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन हैं, यानी कि अगर कोई जिम भी कर रहा है, कोई बॉडी बिल्डर है भी है, वो जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, उसकी मुतबादिल जो है नेचुरल चीज़ अल्लाह ताला ने अलसी बनाई है वो इस्तेमाल करें, उससे वेट भी कम होता है और बॉडी के न्यूट्रिएंट्स भी पूरे होते हैं। आपका जब वेट ज़्यादा था तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी? वेट कम करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? क्या वेट ज़्यादा होने की वजह से आप लेज़ी रहते थे? मेरा जो मोटापा है वो जेनेटिकली है। मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाता था वो कहता था आप पानी का गिलास भी पियोगे ना वो भी आपको लगेगा, तो ये बड़ी मसले की बात थी मेरे लिए। तो अब मैंने इसको भी कंट्रोल, और मैंने डॉक्टर से पहले मैंने खुद नहीं करना था काम, मैंने जिम ही जाना था, क्योंकि अब ये हमारी सोसाइटी में माइंडसेट बना हुआ है जिम ट्रेनर न्यूट्रिशनिस्ट बस। तो मैं उसने मुझे कहा कि आप जिम नहीं कर सकते, जो लोग 18 साल से पहले जिम करते हैं उनके लिए भी ये बात है कि उनकी बोन फ्यूज़ नहीं हुई होती सही तरह से, उनको जिम नहीं करना चाहिए, उनकी हाइट रुक जाती है, उनकी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं 18 साल से पहले जिम करने में। मैं किसी शादी में जाएँ या कहीं जाएँ या दोस्तों में जाऊँ, वो मुझे यार कहते थे क्या आ गया यार, ना मुझे कहीं साल ले जाते थे ना कुछ और है, वो आउटिंग करने जा रहे हैं मैं कॉल करता रहूँ कोई नहीं उठाते थे, तो अब ये है कि वो खुद फ़ोन करते हैं यार आ जाओ, अब मैं टिकटॉक पर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया हूँ तो फिर बस इसलिए वो कहते हैं आ जाओ यार मिल लो ये कर लो वो कर लो। पहले मैं टिकटॉक भी बनाता था जब मैं मोटा था, तो तब बड़ा मसला होता था, कोई वीडियो वायरल नहीं होती थी, कोई देखने वाला नहीं था, अपना ही लाइक होता था सिर्फ उसके ऊपर, तो आप माशाल्लाह से काफ़ी लाइक आ जाते हैं। आपने जो अपना वेट है क्या वो टिकटॉक की वजह से कम किया? आपको टिकटॉक पर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो इस वजह से आपने अपना वेट लूज़ किया है?
जी बिल्कुल, मैंने जो ज़्यादातर कह सकते हैं कि मैंने टिकटॉक की वजह से ही अपना वेट लूज़ किया है, उसके मुझे ये था कि यार मैं वेट लूज़ करके जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाल लूँगा उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, मुझे वो मोटिवेशन थी। उसके बाद मुझे फेमस होने की ज़्यादा मोटिवेशन थी कि यार मैं टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोज़ डालूंगा, वो वायरल होंगी, क्योंकि यार लोगों ने जो लड़कियाँ जो है ना वो मशहूर हो जाती हैं आराम से जो मर्ज़ी कर लें टिकटॉक पर, लड़कों ने तब मशहूर होना जब वो अच्छा दिखें, कोई मोटा आ जाए। अब कहना किसी को मोटा नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने सबको बनाया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल सोसाइटी ऐसी है कि फिजिक देख के ही वो लोगों को लाइक्स देते हैं, तो इसलिए मुझे टिकटॉक से भी काफ़ी मोटिवेशन मिली कि मैं अपना वेट कम करूं। ये बताएं कि आपने जब वेट कम किया उसके अलावा आपकी क्या मोटिवेशन थी? एक तो टिकटॉक आपने बता दी ना, उसके अलावा क्या थी मोटिवेशन? उसके अलावा ये मोटिवेशन थी यार मैं कहीं जा रहा हूँ ब्रांड्स के ऊपर, तो मैं आउटफिटर मेरा फेवरेट ब्रांड है, मैं उसी से हमेशा कपड़े लेता हूँ, लेकिन मैं मुझे उधर से मिलते ही नहीं थे क्योंकि मेरा साइज़ ट्रिपल एक्सएल हो गया था, वो मुझे डाइनर से मिलते थे जी, बाबों वाले कपड़े थे वो, लाइनों वाले, बंदा 70-80 साल का इतना बड़ा, यानी कि अगर मैंने 18-17 साल का था जब मैंने वेट कम किया, मैं 18 साल का हूँ, तो वो कपड़े थे 25 साल वाले, तो यार मैंने कहा ये तो काम ठीक नहीं है, मैं कोट लेने जा रहा हूँ वो मुझे इतना बड़ा मिल रहा है, मेरी मामा है वो मेरे कपड़े कभी इस्त्री उनको करना पड़ जाए तो वो कहती थी क्या है पूरा बेडशीट लग रही है ये, तो ये बड़ा मसला काम ख़राब था। उसके बाद मेरे टीचर्स ने मुझे कहा यार तूने अपने कभी आपको अपने आपको उसमें नहीं देखा शीशे में, कैसा लगता है यार तू, कोई शर्म करो। और उसके बाद मेरा कलर बहुत ब्लैक हो गया था। ये थे हमारे साथ करार हैदर, जिन्होंने अपना वेट बगैर जिम जाए और बगैर किसी ट्रेनर के लूज़ किया है, और इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल किया, खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा है, तो इन्होंने अपना वेट 6 माह के कम तरीन अरसे में बहुत ज़्यादा कम कर लिया। अब इनका वेट 85 किलोग्राम है, लेकिन इनका यह कहना है इससे ज़्यादा भी ये वेट कम कर सकते हैं, मगर इनकी जो फिजीक है उसके मुताबिक इनका वेट इतना ही होना चाहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगेबान।